सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय बेचने वाला, हम तो उनको ताने मारते हैं। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu temple in Dubai on February 14. मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता नरेंद्र मोदी जो है वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पब्लिक फिगर, जिनमें सियासतदान भी, अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का की दम। टेक्नोलॉजी या फिर जहाज, जहाज देखिए चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी है, कारपेट बिछा हुआ है, वो मोदी साहब जाके कहते हैं ये कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में भारत हर चीज अपनी बना रहा है, हर इंडस्ट्री वहाँ पर अपनी है। तो मैं थप्पड़ मारूंगा, ये चटपुंजी हैं, गुफ्तगू करनी नहीं आती इनको, कोई तमीज नहीं इनको। आज ये जो फर्क है एजुकेशन सिस्टम का, आज ये जो फर्क है लीडर्स के विजन का इंडिया और पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या? Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu temple in Dubai on February 14. क्या कहेंगे आपके Prime Minister नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना, क्या समझ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी, यूएई ने परमिशन दी है बनाने के लिए, जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है जनवरी में, उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, और बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में भारत हर चीज अपनी बना रहा है, हर इंडस्ट्री वहां पर अपनी है। वो इसलिए बना रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, ये मुखलस को नहीं है, ये वक्ती तौर से दो दो लोगों को गुलाम बनाने के आते हैं। अच्छा। हाँ, ये गुलाम बनाए और हुकूमत करें। अच्छा। और इनका और कोई मकसद नहीं है, चंद एक दो लीडर हैं अच्छे, बाकी फारग है, बीए तो पास है। तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय बेचने वाला, हम तो उनको ताने मारते हैं। चाने नहीं, वो अपने मुल्क नलायक है। नलायक तो नहीं है वो। हाँ, तो वो काबिल आदमी है, वो अपने मुखलस है, बेशक कम पड़ा भी हो, अपने कम नहीं पड़े हुए, हमें लगता है कम पड़े हुए, कम नहीं पड़े हुए। हमने उधर मैं बताया नहीं है, एक सैकड़ रक्षा वाला जो है वो इंग्लिश बोलता है, कम पड़े है बेशक। आपको कैसे पता, आपने विजिट किया वहाँ का? मैंने सारी दुनिया का विजिट किया हुआ। भारत का विजिट किया कभी? सारी दुनिया का किया हुआ। भारत का कब किया? नहीं, हम नहीं किया, हम सब कुछ जानते हैं। सब जानते हैं, कैसे जानते हैं? अच्छा, ये वैसे मुझे पाकिस्तानियों की एक बात बड़ी, मैं क्या कहूँ अब? रेलवे रोड पर पढ़ते थे, मैं उनके पीछे था उस वक्त, मैंने ये बीए का एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें कि हमारे यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं वो कितना फोकस कर रहे हैं यूथ के ऊपर, कितना उनके साथ अपना जो इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, एज कम्पेयर टू इंडिया के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो अपनी यूथ के साथ, स्टूडेंट के साथ जो है वो मीटअप रखते हैं या उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और विजन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बात यह है भाई कि जो आप एजुकेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट तो बहुत कम है इनका, दुनिया में वाद मुल्क है ये इसराइल, ये सॉरी ये श्रीलंका 88% है, ये 90% लगा लें। और आपने बात की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसका लिटरेसी रेट आप तो उनको छू भी नहीं सकते, उनका एक मैट्रिक लेवल का जो बच्चा है ना वो हमारे ग्रेजुएशन के बराबर है वो, और उनकी इंग्लिश जो है इतनी तेज़ है वो, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर अच्छा हो ना
तो फिर मुल्क की तकदीर बदलती है। मैं कहता हूँ ऐसा चाय बेचने वाला तो मुझे सबसे पहले चाहिए जो देखे अपने कंट्री के साथ कितना सिंसियर है, अपने अपने जो स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेट कर रहा है, पांचवी बड़ी इकॉनमी दुनिया की बना दी। तो फिर ऐसा तो मैं कहता हूँ हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े किस लायक, किस काम के हैं अगर ये देखा जाए। बात यह है कि आपके जो माशाल्लाह सियासतदान है वो पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो इंडियन में है। इंडिया का कोई भी आप मिनिस्टर उठा लें, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि राजनाथ सिंह है वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, एमए किया हुआ है, एमएससी और प्रोफेसर था, वो छोड़ के वो पढ़ा लिखा है। मोदी साहब नहीं पढ़े, उनकी कैबिनेट पढ़ी लिखी है। ये जो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है, उसके बाद जो उनका जो एटम बम जिसने बनाया था डॉक्टर ने, वो भी मुसलमान था, उसका बाप बाकी हिंदुस्तान का वो था सदर था वो, तो उसका बेटा आगे बना। तो आपने क्या किया था, उन्होंने तो बना दिया उसको प्रेसिडेंट, ठीक है ना, तो आपने तो डॉक्टर कदीर को जलील कर दिया। लास्ट उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा, कह रहा जी मेरी 400 कुछ 4000 कुछ रुपए मेरी पेंशन थी, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर डॉक्टर जो मौसम पाकिस्तान है, ये एक खबर चल रही है कि जो इंडिया में अभी जो क्रिसमस डे गुजरा उस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को जो यूथ हैं मुख्तलिफ जो से वो एरिया से बुलाया है अपने हाउस में, जो ऑफिशियल उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसका विजिट करवाया, मीटिंग की है, मोटिवेट की है, और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया। क्या समझते हैं वो, इतनी एज उनकी देखें और उनका विजन देखें कि भाई वो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, यूथ को अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलती हैं। उन्होंने आपने जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर की जो यूथ है मेरे ख्याल 10 में से 9 जो हैं वो एमए मास्टर डिग्री होल्डर होंगे, मेरे अबाउजाद वहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो पता है इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहाँ ट्रेन पहुँचा दी है 10,000 फुट की बुलंदी पर, जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है, बुलेट ट्रेन चला दी है वहाँ भी उन्होंने, ठीक है। यार दुनिया का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी जम्मू इंडिया साइड, जम्मू इंडिया में है ना, आपके पास कुछ भी नहीं, वही 70 साल पुरानी ट्रेन चल रही है ठका ठकटा, कहीं भी रुक जाती है। कश्मीर में तो वो भी नहीं चल रही हमारे साथ। अब आपके हमारे नहीं इंडियन बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में तो वो 75 साल पुरानी ट्रेन है, वहाँ पर वंदे मातरम चला दी उन्होंने बुलेट ट्रेन उन्होंने, वो लोग लाए ना अपने कंट्री के साथ, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क, हमारे बस ये कहते हैं कि भाई अपनी खा लो तो साड़ी ले आओ। ये अब जो एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान से खासतौर पर, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ को मान चुके हैं, करंट अफेयर को जानने वाले कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अब बात ये है कि भाई हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, 76 साल हमें जो दुश्मनी बताई गई, हमें जो नफरतें बताई गई, अब उन्हें ख़त्म करके अगर आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो भी तो बताएं ना, बताएं कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बताएं कि उनके प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को अपनी यूथ को एंगेज कर रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं बता रहे, ये भी बताएं कि इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट कितनी इंडिया में।